कल्पना जी सुरेन की जी एक बहुत बड़ा उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का प्रवाह किया। आप सबने देखा हमारा युवा नेता जब जेल में डाल दिया गया तो जो आघात उसकी युवा पत्नी को हुआ, जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो लोगों तक पहुंची अपनी पीड़ा लेकर, तो ना केवल सहानुभूति मिला बल्कि आशीर्वाद मिला और लोगों ने आदेश दिया हमारे झारखंड के सभी मतदाता मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए शिरोधार्य है और जो हम आने वाले 3-4 महीनों में उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे उस दिशा को दिखाने का भी काम किया है, उसके लिए भी आभारी। हम आगामी जो हमारे अल्प समय है सरकार के, झारखंड के एक एक व्यक्ति, अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति के होठों में मुस्कुराहट लाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे, किसानों के लिए न्याय लाएंगे, मजदूरों के लिए न्याय लाएंगे, आदिवासियों के अस्मिता पर जो हमले हैं उसको रोकेंगे और एक समृद्ध झारखंड की ओर 2024 को लेकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन तो विश्वास बना है कि इलेक्शन कमीशन को पास किए कि फेल किए? देखिए, हमने उनको यही कहा था कि जब चुनाव जनता लड़ती है तो आप बीच में मत आइए। लोगों ने वोट दिया, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ, हम पूरे इलेक्ट्रल जो वोटिंग सिस्टम आज के दिन का है, हम आज भी उसके खिलाफ वोट करते हैं। और आज भी जो आप देखे होंगे कि कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको जनता ने बाध्य किया कि आप सुधर जाइए और यही तो हमने कहा था कि आप प्रायश्चित कर लीजिए। देखिए, कल्पना जी सुरेन की जी एक बहुत बड़ा उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का प्रवाह किया। आप सबने देखा हमारा युवा नेता जब जेल में डाल दिया गया तो जो आघात उसकी युवा पत्नी को हुआ, जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो लोगों तक पहुंची अपनी पीड़ा लेकर, तो ना केवल सहानुभूति मिला बल्कि आशीर्वाद मिला और लोगों ने आदेश दिया कि हम अपने बेटे और भाई की लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। सर, एक सवाल है, 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 ट्राइबल सीट में 26 भाजपा है और इसमें जो 5 आरक्षित सीट आदिवासी सीट जो वो बीजेपी लाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदिवासी हैं, बड़े चेहरा है, इस पर कैसे देखते हैं? अब तो उनको, अब तो उन पर सहानुभूति है, उनको तो शायद निकाल दिए जाएंगे और इसलिए उनके साथ मेरी सहानुभूति है। तो सोचेंगे, लेकिन दूसरी बात है कि आगामी विधानसभा का चुनाव तो हम 52 सीटों का न लड़ेंगे, 29वां सीट हमारा पहला सीट होगा। ये तो पिछले बार का भी मैंडेट था 2019 का
और देखिए जो दो सीट जिस जगह से आया था वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने रिगेन कर लिया, तोड़ पा और टूटी। तो अब मेरा पहला नंबर 29वां सीट। दरअसल इंडिया की बैठक है क्या, आप लोगों को आमंत्रण मिला है? इंडिया की भी बैठक की कोई सूचना दादा? बीजेपी कार्यालय में जस्ट मनाया गया और कहा गया तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नेहरू जी के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और आतिशबाजी से लेके लट्टू पूरी तरह से जश्न मनाया गया है। देखिए ये तो उनकी हताशा है ना, जिन्होंने अपने नाम पर बहुमत की बात की उसको बहुमत आया क्या? ये सारे भाजपा के जो लोग हैं, ये अदानी और अंबानी के पेरोल के लोग हैं। सुबह से सेंसेक्स का जो बुरा हाल हुआ कि उनके सारे कर्मचारी आ गए भाजपा के दफ्तर, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि मोदी जी कैसे जीते चुके, वो तो अब नेहरू जी के साथ मोदी जी की तुलना होगी। जो नेहरू जी के दौर में जो रेल, जो गेल, जो सेल, जो एटीसी, जो भेल, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट ट्रस्ट, जो एम्स, डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी, तो नेहरू जी ने बनाया, उसको बेचने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 75% तो बेच दिया नेहरू जी के बनाए। लेकिन अब देश नहीं बिकेगा, अब देश उनके खिलाफ खड़ा है। बंगला में एक थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन हर शब्द में सब कुछ नहीं होता, तीसरा में चार में भी द तो द बहुत जगह में होता है। अच्छा सरकार अगर ये बना लेंगे तो क्या सरकार चलने की संभावना कितनी दिखेगी? कहां से चल जाएगा सरकार, कहां से लाएंगे बहुमत के? तो सब इंस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, कभी चंद्रबाबू नायडू टालेंगे, कभी नीतीश जी टालेंगे, काबू में रहेंगे वरना, कभी चिराग पासवान टालेगा, और मोदी जी का तब अहंकार कहां रहेगा? अमित शाह जी का इतना भारी आवाज कहां से निकलेगा? मेमनों की तरह रहना पड़ेगा। जहां ये चीज हरवाहे जब हाकेंगे करके गली नापना पड़ेगा। गिरिडीह में हार की वजह और जमशेदपुर में हार की वजह, जमशेदपुर में भारी भीतराघात हमारे साथ हुआ, पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करें। इसी से जोड़ के मेरा सवाल, और गिरिडीह में हमारे हार की वजह मैंने आपको अभी कहा, वो जो समाज को बांटने का काम हुआ, जो मूलवासी आदिवासियों को बांटने का काम, उसका नतीजा कि हम गिरिडीह। दादा जेएमएम की उपस्थिति और जन समर्थन को रवायती राजनीति में किस नजर से देखते हैं? मैं समझ नहीं पाई क्या बोला? जेएमएम की उपस्थिति और जन समर्थन जैसा मिला है, तो रिवायती राजनीति में किस तरह जो वोट जेएमएम को जाना